वाले दिन ऐसा खबरें सामने आई हैं कि 10 से 15 लोग जो हैं वो रोहिणी में बीमार पड़ गए हैं, और डॉक्टर से जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक उन्होंने सरसों का तेल अपनी सब्जी में मिला के खाया था, और उस सरसों के तेल में मिलावट का मामला सामने आया। इस संदर्भ में कई मीडिया जो चैनल्स हैं वो दिल्ली के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास गए, लेकिन साफ तरीके से जो स्पष्ट जवाब है वो नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार कहती है कि वो गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे सर इस बारे में? देखिए, जो आपने कहा है, जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं और जो लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं, सिर्फ यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले राजीव गांधी जो हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का है, और वहाँ पर 6 जाने सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि समय पर वहाँ डॉक्टर नहीं पहुँचे। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। और जिस तरह से यहाँ पर जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो चेकिंग करता है उसमें भी भ्रष्टाचार है। इनके हर डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन है, क्योंकि इनके मंत्री भी करप्शन कर रहे हैं और नीचे कोई देखने वाला नहीं है। और जिस तरह की लापरवाही आई है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसमें जनता के स्वास्थ्य का सवाल है और लोग बीमार भी पड़े हैं, उनके साथ आगे भी और भी बीमार हो सकते हैं। तो ये पर्याप्त उनकी चेकिंग होनी चाहिए और दिल्ली सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। सर, एक तरफ तो आपने जैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगाया, वहीं अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो वो पंजाब में एक व्हाट्सएप नंबर उन्होंने जारी किया कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो व्हाट्सएप पर हमें वीडियो भेजिए, इसको कैसे देखते हैं आप? इस पर देखिए, दिल्ली में भी उन्होंने एक जारी किया था, बाद में उन्होंने खुद ही करना शुरू कर दिया ये काम, शराब में, DTC बसों की खरीद में, दिल्ली जल बोर्ड के 60,000 करोड़ रुपए के 22 CAG के पत्र लिख के, अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। और अब वही जल बोर्ड के जो इन्होंने बना रखे थे उनको पंजाब भेज दिया है लूटमार करने के लिए। पहले दिल्ली में जल बोर्ड बर्बाद किया, अब वहाँ भेज दिया उन्होंने पंजाब में। तो देखते जाइए आगे क्या होता है। ये आम आदमी पार्टी है, जिसने नाम ही रखा था आम आदमी पार्टी, ये भ्रष्टाचार के सबसे बड़े मानक होते ना, वो बनेंगे।